गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर अब्दुल सत्तार खान। टेंथ इंग्लिश पोएम 2.3 द ट्विंस इंग्लिश वर्कशॉप एंड एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। इस पोएम की एक्टिविटीज़ में आप सबका इस्तकबाल है। उम्मीद है आपको पिछले वीडियो पसंद आया होगी। हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं द ट्विंस इंग्लिश वर्कशॉप। क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटीज़ है। इसके आंसर्स डायरेक्ट दिए हुए हैं। ये अंडरलाइन करना था द नरेटर शुड हैव बीन क्रिश्चियन्ड जॉन। तो कौन क्रिश्चियन्ड किया गया है? द नरेटर। इसका आंसर क्या है? द नरेटर। दूसरा, द नरेटर्स ब्रदर वॉज नेम्ड एज जॉन। दूसरे में आंसर में जॉन को अंडरलाइन करना है। द नरेटर्स ब्रदर वॉज नेम्ड एज जॉन, ये जॉन को अंडरलाइन करना है। द ट्विंस गॉट मिक्सड अप व्हेन दे वेर बीइंग वॉच्ड बाय नर्स। द ट्विंस गॉट मिक्सड, तो गॉट मिक्सड अप व्हेन दे वेर बीइंग वॉच्ड बाय नर्स। द ट्विंस वेर मिक्सड अप बिफोर देयर नेम्स वेर फिक्स्ड। तो लास्ट में क्या आएगा? बिफोर देयर नेम्स वेर फिक्स्ड। ये यहाँ पर कुछ मिस्टेकन सेंटेंसेस दिए हैं। ये मार्च 2019 में ये एक्टिविटी आई थी, इसीलिए यहाँ पर दिया गया है। द नरेटर गॉट बीटन अप ऑफन एट स्कूल। इसको आपको क्या करना है? ये लाइन इसको प्रॉपर ऑर्डर में लगाना है, यानी सही तरतीब में। द स्पीकर्स ब्राइड बिकेम हिज ब्रदर्स वाइफ। द स्पीकर डेस्परेटली आस्क्ड फॉर गाइडेंस। नो वन इन द फैमिली कुड डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्विंस बेबीज। एट द नेमिंग सेरेमनी रॉन्ग नेम्स वेयर गिवन टू द ट्विन ब्रदर्स। इवन इन डेथ द ट्विंस वेयर नॉट स्पेयर्ड ड्यूरिंग ब्यूरियल। पहले का है, ये तरतीब में क्या रहेगा, यानी इसको सही तरतीब क्या रहेगी? नो वन इन द फैमिली कुड डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्विन बेबीज, ये पहला रहेगा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस क्या है? एट द नेमिंग सेरेमनी रॉन्ग नेम्स वर गिवन टू द ट्विन ब्रदर्स। तीसरा क्या रहेगा? ही द नरेटर गॉट बीटन अप ऑफन एट स्कूल। तीसरा, द स्पीकर डेस्परेटली आस्क्ड फॉर गाइडेंस। पाँचवा, द स्पीकर्स ब्राइड बिकेम हिज ब्रदर्स वाइफ। एंड छठा जो है ये लास्ट में है, इवन इन डेथ द ट्विंस वेयर नॉट स्पेयर्ड ड्यूरिंग ब्यूरियल। A3 नंबर की एक्टिविटी है पोएटिक डिवाइसेस मालूम करना है। ये भी ये पोयम आई थी 2019 में मार्च के पेपर में। तो यहाँ पर आपको राइमिंग वर्ड्स लिखना है। डॉज्ड फ्लॉज्ड, स्कूल फूल, न्यू यू, फ्रूटलेसली मी। तो इस तरीके से ये आपके राइमिंग वर्ड्स हो गए हैं। अब यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल के लिए कौन सी है? वैसे तो पूरी पोयम ही हाइपरबोल पे डिपेंड है। एंड आई वाज आल्सो गेटिंग फ्लॉज्ड फॉर जॉन टर्न आउट अ फूल। द लाइंस आर एग्जैगरेटेड फॉर सर्टन ह्यूमर, यानी इसमें बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्टिविटीज़ फॉर कॉम्प्रिहेंशन। हाउ डिड द नरेटर सफर एट स्कूल, यानी नरेटर की कैसे परेशानी होती थी स्कूल में। हु वॉज पुट टू डिसएडवांटेज एट स्कूल ड्यू टू द सिमिलैरिटी। हाउ, किसको डिसएडवांटेज था स्कूल में सिमिलैरिटी की वजह से और क्यों था, कैसे था? एज अ रिजल्ट ऑफ द सिमिलैरिटी बिटवीन द नरेटर एंड हिज ब्रदर, ही द नरेटर वॉज ऑलवेज गेटिंग बीटन फॉर द मिस्टेक्स कमिटेड बाय हिज ब्रदर। तो हमेशा क्या होता था, उसका भाई मिसचीफ करता था, गलती करता था और नरेटर को मार पड़ती थी। एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन पोएटिक डिवाइस, यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स लिखना है। टाइड ब्राइड लाइफ वाइफ सेम केम, ये क्या है? राइमिंग वर्ड्स है। हाइपरबोल की एग्जांपल एक और है। एंड व्हेन आई डाइड द नेबर्स केम एंड ब्यूरिड ब्रदर जॉन, ये क्या है? एग्जैगरेटेड सेंटेंस है, हाइपरबोल का एग्जाम्पल है। एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम क्वेश्चन नंबर 3 राइट द एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। What is the title of the poem? The title of the poem is The Twins. Who is the poet? The name of the poet is Henry S. Lyle. Theme and central idea. The central idea of the poem is the problems faced by one of the identical twins. All the problems are exaggerated that this create humorous effect. Still, the poet achieves a balance by making the reader believe at least for a short time the way of thinking of his argument. अब इसमें क्या है, ये सेंट्रल आइडिया ये बयान करता है कि जो ट्विंस है, आइडेंटिकल ट्विंस है, वो कैसे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं।
और प्रॉब्लम्स को बड़ा चढ़ाकर बताया, एग्जैगरेटेड बड़ा चढ़ाकर बताया गया है ताकि ह्यूमर क्रिएट हो सके, आपको हंसी आए। स्टिल द पोएट अचीव्स अ बैलेंस बाय मेकिंग द रीडर बिलीव। इसके बावजूद जो राइटर है वो कामयाब हो जाता है कि इसमें जो सुनने वाले हैं वो उसे भरोसा कर ले। एटलीस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ हिस आर्ग्यूमेंट, कम से कम थोड़े वक्त के ही लिए उसे समझ ले। इसका राइम स्कीम क्या है? द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी ए बी। एंड व्हाट आर द फिगर्स ऑफ स्पीच? वैसे तो हाइपरबोल का दो बार जिक्र कर चुके हैं, वैसे एलिट्रेशन भी है जिसमें जैसे कि किथ एंड किन वगैरह आता है, तो ये एलिट्रेशन का है और दूसरा हाइपरबोल का है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।